भागलपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाज सुधार यात्रा के तहत समाज में शराबबंदी की संदेश को दे रहे थे, तो वहीं तिलका मांझी चौक पर छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं के द्वारा तिलका मांझी विश्वविद्यालय में अस्थाई कुलपति की मांग को लेकर नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। हालांकि उस वक्त मौजूद पुलिस कर्मियों ने तीनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार युवक का नाम सौरभ बताया जाता है। सौरभ का कहना है, तिलका मांझी विश्वविद्यालय में शिक्षा व्यवस्था चौपट होती जा रही है। अपनी बात को रखने का कई बार उन्होंने प्रयास किया, लेकिन कोई सूद लेने वाला नहीं है। छात्रों को कई बार परेशानी का सामना करना पड़ता है। अधिकारियों से बात करने पर टाल मटोल कर दिया जाता है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने देर शाम तीनों युवकों को कागजी प्रक्रिया के बाद रिहा कर दिया। क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं छात्र नेता, आप भी सुनिए। दम है कितना तमन्न तेरे, देख लिया है देखेंगे। लगा है कितनी जलन तेरे, देख लिया है देखेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भगत सिंह क्रांतिकारी विरासत जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भगत सिंह क्रांतिकारी विरासत जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हम लोग को लगभग 10 घंटा डिटेन कर रखा गया। एक जिनमें मांग था हम लोग का, लगभग 5 साल से इस विश्वविद्यालय को अस्थाई कुलपति नहीं मिला है। क्या हम इन छात्रों का ये मांग कॉग्निजेबल ऑफेंस है? सीआरपीसी 151 कहता है कि जब पुलिस को ऐसा लगे कि कॉग्निजेबल ऑफेंस करने वाले हैं, तो परमानेंट वीसी की मांग करना क्या संज्ञेय अपराध है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बताने का काम करे। ये पूरी सरकार मानसिक दिवालियापन का शिकार हो चुकी है। छात्र के जिनमिन मांग को सुनना नहीं पसंद करती है। ये चाहती है कि हम नहीं पढ़ें, ये चाहती है कि हम ऐसे ही रह जाएं, ये चाहती है कि छात्र मूर्ख रह जाएं। लेकिन ये भागलपुर की धरती है, ये तिलका मांझी की धरती है, ये बता देगी जब तक शरीर का एक बूंद भी खून बचा रहेगा, छात्र हित के लिए लड़ते रहेंगे। सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार जी भागलपुर आते हैं, इतना डर जाते हैं कि वो जो है खुद उसे पता नहीं लगता है कि कौन छात्र है, कौन पत्रकार है, कौन क्या है। आज वो जो है समाज सुधार यात्रा कर रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं, मैं पत्रकारिता का स्टूडेंट होने और कोशिश कर, कल हम लोग आह्वान करते हैं कि कल उनका फिर से पुतला दहन करके उनका घोर निंदा करेंगे। आज हम लोग जो विश्वविद्यालय में लंबे समय से 4 साल से कुलपति नहीं थे, जिसके खिलाफ में हम लोग मुख्यमंत्री से मांग करने गए थे, हमारे विश्वविद्यालय को कुलपति दीजिए, तो हम लोग छात्र लोग गए थे शांतिपूर्वक। हमारे साथी के तीन साथी को अरेस्टिंग कर लिया गया और हमारे जितने भी साथी वहाँ मौजूद थे चारों को पूरे शहर में चप्पा चप्पा ढूंढा गया, पूरा परेशान किया गया, टॉर्चर किया गया। क्या हम लोग अपराधी दिखाई दे रहे हैं? जो नीतीश जी इतने डर गए, हम लोग आठ साथी के साथ घूम रहे थे और आठों साथी को इस तरह से आप टॉर्चर कर रहे हैं, आप अपराधी में इतना समय लगाते तो भागलपुर अपराधी का जो गठजोड़ चल रहा है उसका शांत होता है, लेकिन वहाँ पे आप समय नहीं लगा रहे। ये जो अपने हक अधिकार के लिए अच्छी पढ़ाई की मांग करते हैं छात्र, तो आप इस अपराधी की तरह ट्रीट कर रहे हैं, लॉज पे घुस रहे हैं, कार्यालय में घुस रहे हैं, हम लोग को जो घुस रहे हैं ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। हम लोग कल विश्वविद्यालय में इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। कल विश्वविद्यालय में नीतीश जी आप जो यहाँ आए हैं हम लोग को पुतलापति हम लोग का नारा लगाने से रोके हैं, अरेस्टिंग करके नारा लगाने से रोके हैं, हम लोग का आवाज़ रुकने वाला नहीं है। हम लोग लोकतंत्र पे विश्वास रखते हैं, लोकतंत्र पे आवाज़ बुलंद करेंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हम लोग को अधिकार दिया, उसके संविधान को मानते हुए हम लोग इनकलाबी लाल सलाम करते हुए जय भीम लाल सलाम। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज हमारे जो क्रांतिकारी साथी तीनों साथी को जिस प्रकार से जबरन पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया, मैं उसका निंदा करता हूं और पूछना चाहता हूं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, लोकतंत्र के अधिकार का आपने कैसे उसका कब्जा करने की कोशिश की? आज के अधिकार जब हमारी बातों को आप सुनना नहीं चाहते हैं, उनकी आवाज़ों को बंद करना चाहते हैं और समाज सुधारने की बात करते हैं, समाज सुधारने की बात नहीं है। आप अपने रणनीति को बनाने के लिए अमल सिंह के चुनाव को कैसे जिताया जा सके, उस रणनीति के हिसाब से आज आप सभा किए भागलपुर में, वो सारों सरकारी पैसा आम पब्लिक के पैसे को इस्तेमाल अपने चुनावी सभा में लगाते हैं और इन तमाम निर्दोष छात्रों के ऊपर आप गाज गिराते हैं। आपका हर एक छात्रों के साथ किया गया अन्याय का हिसाब चुकाना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।
आज मुख्यमंत्री जो है भागलपुर आने वाले थे, आए हुए थे, और हम सब का मांग था कि जो TMBU में चार साल से स्थायी कुलपति नहीं है, उनकी मांग को लेकर हम जो है वहां विरोध करने गए हुए थे। हम अपनी मांग को लेकर हम अपने उनके सामने रखने गए थे, लेकिन उन्होंने